बोरीवली पश्चिम गोराई गांव जाम झाड़पाड़ा का यह क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 के अंतर्गत आता है। यहां रहने वाले आदिवासी समाज के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। इन्हें न्यायिक हक दिलाने के लिए मनसे के नेता हमेशा प्रयास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बोरीवली विभाग अध्यक्ष प्रसाद कुलापकर की उपस्थिति में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जाम झाड़पाड़ा के आदिवासी समाज के नागरिकों ने सामूहिक पत्र लिखकर पोस्ट के माध्यम से भेजने का कार्य किया है और उनसे अपनी विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु आग्रह किया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। नहीं, पहला तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव साल चालू है, अमृत महोत्सव आज़ादी का अपन समारोह करेंगे क्या, वो उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आज अपने सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने आह्वान किया है कि हर घर में तिरंगा लहराना मांगता है कि आज अपना आज़ादी का 75वां साल है, इसलिए अभिमान की बात है। लेकिन उनके घर, जिनके घर अभी तक पक्के नहीं है, आज 75वां साल तिरंगा लहराएंगे, लेकिन अगर सरकार के कुछ कानून और कुछ नियम बदल गए तो उनका घर 75वें साल में रहेगा कि नहीं, इसका सवाल उठता है। अभी ये आदिवासी पाड़े में अपन जो खड़े तो इसमें हम लोग ने पाया जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल नहीं था। रास्ते के लिए हमारे स्थानीय शाखा अध्यक्ष है महेश नर, उन्होंने अतोनात मेहनत की, उन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत की वजह से उन्होंने रास्ता बना के लिया। यहाँ लाइट नहीं थी, अपन स्वतंत्र हुए, आजाद हुए और आजादी के पहले से यहाँ इधर आदमी लोग रहते हैं, उनको लाइट जैसी सुविधा नहीं थी। और अपना सरकार ने जो में डिक्लेयर किया था कि सौभाग्य योजना के घर घर में बिजली जाएगी, तो इधर वो सौभाग्य योजना का दरिया रखते हुए उस टाइम के यहाँ के एमएलए और पालक मंत्री भूतपूर्व मंत्री विनोद जी तावड़े साहब ने हमको बहुत सहकार्य किया और आज हम लोग ने यहाँ लाइट दी। लाइट देने के बाद यहाँ दो सवाल और खड़े होते कि यह पीढ़ी से जो लोग रहते कि उनको आदिवासी करके, वारली आदिवासी करके जाति का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हम लोग उसके लिए कोशिश की लेकिन सरकार ने, पूर्व जो सरकार थी शिवसेना भाजपा की और अभी सरकार थी शिवसेना और सब राष्ट्रवादी कांग्रेस की, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाआघाड़ी सरकार, उन्होंने कुछ दखल नहीं लिया है। क्यों अभी तक इनका जो दो समस्या है पेंडिंग है, एक है अपना घर पट्टी, जो अभी घर मैं बोल रहा हूँ कि आज 75वां साल वो मनाएंगे झंडा फहरा के, लेकिन 76वें साल में किधर जाएंगे क्योंकि अधिकृत नहीं है ऐसा सरकार माने। दूसरी बात, यहाँ कुछ लोक प्रतिनिधि है, यहाँ वहाँ के फंड से अब घर बना के दिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ घर बना के दो अच्छी बात है, लेकिन उनके घर पट्टी के लिए कुछ ठोस कार्रवाई करो, ठोस उपाय योजना करो। और दूसरी बात है, इसलिए अभी ऐसा है कि जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी समाज की है, तो हम लोग ये मायना रखते हुए आदिवासी समाज ने, यहाँ के आदिवासी बांधव ने ये पोस्ट कार्ड लिखा है कि हमारे दो प्रॉब्लम्स है, वो आदिवासी बांधव करके हमको सॉल्व करके दो, सुलझा के दो। हम आपका अभिमान रखते हैं कि आप आदिवासी रहे, आदिवासी समाज के यहाँ राष्ट्रपति पद के वजह से माँ शक्तिशाली पद के ऊपर विराजमान है, तो हमारा ये जो समस्या है वो सुलझा के दो, ऐसा उन्होंने हमारे पास विनंती की थी। तो विनंती के अनुसार आज उनके पास से स्पोर्ट कार्ड लिखते हुए हम लोग पोस्ट में डालने वाले। इसमें जो जात प्रमाण पत्र है वो हम लोग को अभी तक मिला नहीं और हम लोग के बच्चे लोग को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जाति का दाखला मिलना चाहिए, इसके लिए किधर भी जाओ तो जात प्रमाण पत्र पूछते हैं, तो हम लोग को मिलना मांगता है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति है आदिवासी, हमारी बंधु बहन हमारी राष्ट्रपति हुई तो हम लोग की बात सुने और हम लोग को जो जात के दाखले और हमारे घर पट्टी, हम लोग रह रहे हैं इतना साल 70 सालों से रह रहे हैं तो हम लोग को घर पट्टी अभी तक मिली नहीं,
तो घर पट्टी हम लोग को मिला है। इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ते हैं राष्ट्रपति को कि हम लोग का बात हम स्वीकारे और हम लोग की योजना है जो हम लोग को मिल हम तक पहुँचा दे। आज किस तरह से आपने उनको एक मैसेज भेजा है राष्ट्रपति ने? हमने मैसेज भेजा है कि हम लोग को जो हम लोग के जो मुद्दे पड़े हैं, हम लोग कई पीढ़ी से हम लोग के मुद्दे पड़े हैं, तो हम लोग को यह मिलना चाहिए, तो हम लोग उसकी विनती करते हैं। अभी यह पत्र हमने लिखे हैं राष्ट्रपति को, यह हम लोग को आप पढ़ के और हम लोग की समस्या छूट जाए, तो हम लोग इतना ही विनती करते हैं राष्ट्रपति को।